अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, ख्वाबों की ताबीर के आपके फेवरेट चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है ख्वाब में किसी चीज को तोलना, वजन करना, पेमाइश करना या मेजरमेंट करना। अगर किसी भाई बहन ने ख्वाब में कांटा, स्केल या तराजू देखा है तो इसकी चार डिफरेंट रीजंस होती हैं। नंबर एक, सही सही फैसला करना। नंबर दो, नेकी करना। नंबर तीन, इंसाफ की जरूरत महसूस करना। नंबर चार, हाकिम या सरदार बनना। अब ये चारों चीजें हमारी जिंदगी में किस तरह असर अंदाज होती हैं, चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक ख्वाब में तोलने की जानिब। अगर कोई भाई बहन ख्वाब में देखें कि उनके हाथ में तराजू है और वो कुछ तोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोगों की बात सुनकर बिल्कुल इंसाफ के मुताबिक फैसला करेंगे। अगर कोई देखे कि वो बिल्कुल दुरुस्त दुरुस्त तोल रहा है, इसका मतलब है कि सच्चाई पर कायम रहेगा, सच्चाई का हुक्म देगा या अपनी कौम कबीले बरादरी का सरदार बनेगा। या अगर आप वकील, काजी या जज हैं तो इसका मतलब है कि अदलो इंसाफ पर मबनी हक सच के फैसले आपके जुबान से निकलेंगे। ख्वाब के अंदर किसी चीज को तोलते हुए देखना, यानी अगर कोई दूसरा शख्स तोल रहा है तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाले को फैसला करवाने के लिए किसी अच्छे मुनसिफ शख्स की जरूरत पड़ेगी। ख्वाब में बराबर तोलने का मतलब औलाद का ख्याल रखना, मुलाजमीन का ख्याल रखना, लोगों की मदद करना भी होता है। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला आपके ख्वाब को आपके लिए नेक ताबीर बनाए। शऊर इन्फो से शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए ख्वाब की ताबीर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।